Assalamu alaikum, I am Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the 9th part of the 7th lecture of Web Design and Development course. In this lecture, we are going to study about the bootstrap carousel element. What means by bootstrap carousel? आप लोगों ने different website में इस किस्म के slider देखे होंगे. These slider are called carousel. तो अगर आपने अपनी website में एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिव कैरोसेल इंसर्ट करना है, सो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड इजी मेथड फॉर दिस. सो बूटस्ट्रैप कैरोसेल इज़ अ स्लाइड शो कंपोनेंट फॉर साइकिलिंग थ्रू एलिमेंट्स सच एज इमेजेस और स्लाइड्स ऑफ टेक्स्ट और वीडियोस. बूटस्ट्रैप के कैरोसेल में आप इमेजेस, वीडियोस या टेक्स्ट जो है वो इस तरह स्लाइडर के फॉर्म में लगा सकते हैं. Bootstrap provides a rich set of classes for responsive carousel. With Bootstrap carousel, we can easily create slideshow of images, videos, caption, navigation button, etc. यहाँ पर हमारे पास इस किस्म का एक slider बनेगा जिसको हम carousel कहते हैं. इसके साथ आप caption भी लगा सकते हैं, इसके साथ navigation button भी हो सकते हैं. यहाँ पर left right button, यहाँ पर इसके अलावा जितने images है उतनी button आप भी लगा सकते हैं, ठीक है. और इस किस्म के कैप्शन वगैरह भी इसके साथ लगा सकते हैं. सो आइए देखते हैं कि किस तरह हम इस किस्म के कैरोसेल को क्रिएट करेंगे. सो फॉर दिस आई विल यूज़ द कोड, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था. इस नेव बार के नीचे यहाँ पर मैं एक कैरोसेल लगाऊंगा, ठीक है, और उसमें इमेजेस लगाऊंगा, ठीक है. और उस कैरोसेल को अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम देखेंगे और उसको ठीक करेंगे. उसके साथ साथ कैप्शन वगैरह भी लगाएंगे. सो फॉर कैरोसेल द फर्स्ट थिंग इज़ टू विजिट द बूटस्ट्रैप वेबसाइट. और यहाँ एलिमेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर कैरोसेल एलिमेंट में हमने जाना है. सो दिस इज़ कैरोसेल, ठीक है. कैरोसेल में सबसे पहले देखें मुख्तलिफ किस्म के कैरोसेल यहाँ आपको मिलेंगे. दिस इज़ बेसिक एग्जांपल. ये हमारे पास एक कैरोसेल है जिसमें आपको सिर्फ दो नेविगेशन बटन और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इमेजेस मिलते हैं. इसी तरह आप नीचे आ जाए तो देखें इसमें ये बटन भी ऐड है, ठीक है. इसी तरह थोड़ा और नीचे आ जाए तो इसमें हमारे साथ दो किस्म के कैप्शंस है और इसी तरह राइट लेफ्ट नेविगेशन बटन भी है, यहाँ पर ये बटन भी है. तो जिस कैरोसेल को आप उठाना चाहते हैं उसके कोड को कॉपी कर दें, ठीक है, और पेस्ट कर दें और अपनी इमेजेस जो है उसके लिंक्स यहाँ पर इंसर्ट कर दें. तो फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ लुकिंग अ रिच स्लाइडर. सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी कर दिया इसको, ठीक है. फिर इसके बाद इस तरह करते हैं कि यहाँ ये हमारे पास एक कंटेनर था, ठीक है, और इसके इस कंटेनर के अंदर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेव बार है. तो इस नेव बार के बाद फौरन मैं इस कैरोसेल को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है. सो इसके बाद मैं इसको फौरन इंसर्ट करता हूँ, मैंने इंसर्ट कर दिया इसको. अभी देखें हमारे पास ये तो एग्जांपल कैरोसेल है, ठीक है. इसमें हमारे पास यहाँ देखें इमेजेस के लिए उन्होंने ये प्लेसेस छोड़े हैं, तो इसमें मैं अपनी इमेजेस इंसर्ट करूँगा. सो फॉर दिस ये इमेजेस मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, और अपने फोल्डर में इसको मैं पेस्ट करूँगा. दिस इज़ द फोल्डर 7.8, बल्कि ये हमारे पास 7.9 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में है मैं ये एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है. ये इमेजेस है, इमेज दिस इज इमेज 0 और फिर इमेज 1, 2, 3, ओके. तो यहाँ हम इसको यहाँ पर हम यूआरएल बताएंगे, ठीक है, सोर्स बताएंगे इमेज को. सो द फाइल इज इन एसेट्स इमेजेस और इमेज 0. सिमिलरली इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं इसको. दिस इज इमेज 1, दिस इज इमेज 2, और मुझे एक और भी चाहिए तो इस ड्यू को कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर सेव करते हैं. दिस इज इमेज 3, चूँकि 3 इमेजेस है, अगर आपके पास 5 इमेजेस है तो आप इस ड्यू को 5 टाइम कॉपी पेस्ट कर लें. इसी तरह ये हमारे पास डिफॉल्ट जो एग्जाम्पल के तौर पर हमें कैप्शंस मिले हैं वो कैप्शंस हैं. तो इन कैप्शन को आप अगर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं. यहाँ से ये कोड रिमूव कर दे या कमेंट आउट कर दे तो बस ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है. और आप अपडेट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये मैं लिखता हूँ कि माय फर्स्ट इमेज कैप्शन, ठीक है. और यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसमें भी आप कुछ और भी लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लिखता हूँ माई फर्स्ट इमेज कैप्शन डिटेल, ठीक है. और इसी तरह ये बाकी जो है तो इन बाकी टेक्स्ट को भी इसी तरह अपडेट करते हैं, ठीक है. ये जो बाकी टेक्स्ट
टेक्स्ट है हमारे साथ, इसको भी हम अपडेट करेंगे, पेस्ट। ओके, माय फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ वन। ठीक, अच्छा अभी आते हैं और अपनी पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि कैप्शन किस तरह, स्लाइड किस तरह बनी है। तो देखिए यहाँ पर नेविगेशन बटन्स है, यहाँ पर कैप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये बटन्स भी है और यहाँ पर छोटा कैप्शन भी आ रहा है। यहाँ बटन के थ्रू हम नेविगेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो हमारे इमेजेस जो है वो कुछ हाइट में स्मॉल है, कुछ लार्ज है। ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे कि इसको हम इसके साइज़ को हम कस्टम सीएसएस के थ्रू अपडेट करेंगे। ठीक है, ओके, से कस्टम सीएसएस के थ्रू मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेजेस है इसका हाइट थोड़ा सा कम हो। ठीक है, तो यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, यहाँ मैं इसको हाइट देता हूँ। ठीक है, सो हाइट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 600 पिक्सल, तो ये कितना बन रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं देता हूँ हाइट 500 पिक्सल्स। ठीक है, तो अगर 500 पिक्सल इसको मैं इस तरह रखूँ तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो चूँकि हमने, मैं देखता हूँ हमने यहाँ पर कोड किया था बूटस्ट्रैप एसेट्स, बूटस्ट्रैप, यहाँ पर हमने सीएसएस, अच्छा हमने कस्टम सीएसएस नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक फाइल लेता हूँ फॉर कस्टम सीएसएस। ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं सीएसएस, और इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करते हैं माई स्टाइल डॉट सी एस एस, इसमें हम कस्टम सी एस एस लिखेंगे। ठीक है, सो ओपन। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर लोगो के लिए ये कोड लिखा था, तो ये भी यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देखें इमेजेस हमारे कहाँ पर है, तो इमेजेस है यहाँ पर। ठीक है, कैरोसेल आइटम, कैरोसेल आइटम हमारे पास बूटस्ट्रैप क्लास है, उसके अंदर आईएमजी है, तो इस पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे डॉट कैरोसेल आइटम के अंदर जितनी भी आईएमजी है उस पर हमने क्या करना है, उस पर हमने मैक्स वेट लगाना है कितना, 500 पिक्सल। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम चाहें कि 500 से कम हो तो ये इमेजेस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्क्रीन के मुताबिक खुद के एडजस्ट कर दे। तो इसके साथ हमने एक और क्लास लगाना होगा फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, और वो हमने देखा है पिछले लेक्चर्स में, दैट इज़ img-float। ठीक है, img-float क्या करता है, इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा स्क्रीन ज़्यादा छोटा हो तो यह ऑटोमेटिकली ख़ुद को एडजस्ट करेगा। अच्छा, ये हमने फाइल जो है लिंक नहीं किया है, तो पहले फाइल को लिंक करते हैं। यहाँ पर हमने स्टाइल टैग, सॉरी लिंक टैग डिफाइन करना है। ठीक है, लिंक और href assets css, ये हमारे पास है mystyle.css। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर दें तो देखें, अच्छा विड्थ हमने गलती से विड्थ लगा दिया, विड्थ नहीं हाइट लगाना चाहिए यहाँ पर, सॉरी ये मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सो ये हमारे पास स्लाइडर बन गया। ठीक, अच्छा अगर आप चाहें कि फॉर एग्जांपल ये कैप्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, इसको इस पर बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं, या इस पर कुछ और इसको कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, तो पहले देखें कि हमारे पास ये जो कैप्शंस है ये कहां पर है, तो देखें कैरोसेल आइटम के अंदर हमारे पास H5 और P है, तो यहाँ हम इसको इस तरह स्टाइल कर सकते हैं डॉट कैरोसेल आइटम के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल H5 है, तो इस पर मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल #000, और इसका कलर मैं रखना चाहता हूँ वाइट #FFF। सिमिलरली डॉट कैरोसेल आइटम के अंदर जो P है इसके बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा सा इस तरह रखना चाहता हूँ RGBA
मैं इसको रखना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इस पर थोड़ा सा ओपेसिटी अप्लाई कर दूँ। और इसको मैं भी दूंगा 0 0 0 ब्लैक कलर का और 0.5, तो ये थोड़ा सा लाइट होगा। और इसी तरह इसका जो कलर है वो मैं वाइट रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इसमें चेंज आ गया, तो देखिए ये हमारे पास इस तरह इसमें ये चेंज आ गया, ठीक है। अच्छा, इस पर पैडिंग अप्लाई कर दे, थोड़ा सा और भी ये बेहतर हो जाएगा। सो इस पर पैडिंग अप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पिक्सल, और नीचे भी हम यहाँ पैडिंग अप्लाई करते हैं 5 पिक्सल। देखिए पैडिंग इस पर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप अपने स्लाइडर्स को अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि यहाँ तो टेक्स्ट कम है और ये जो बैकग्राउंड है ये अप्लाई है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो दिस इज़ बिकॉज H5 और P यहाँ पर इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई है ब्लॉक। तो अगर आप इसको इनलाइन बना दें तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, मतलब ये कि जितना आपका टेक्स्ट होगा उतना बैकग्राउंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं इस पर अप्लाई करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। और सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई करते हैं डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। अभी आप देखें तो ये हमारे पास इनलाइन, लेकिन दोनों सेम लाइन में आ गई। तो अभी हमने क्या करना है, ये यहाँ पर एक BR इंसर्ट कर दें, तो ये जो P है ये बाद में आ जाएगा, ठीक है। एक BR यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, BR यहाँ भी BR इंसर्ट कर दें। अच्छा, और इसी तरह थोड़ा सा हम इस पर मार्जिन अप्लाई करेंगे, तो ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस में हो जाएंगे। तो अगर या इस पर मार्जिन बॉटम अप्लाई कर दें, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, ठीक है। मींस कि इसे कस्टम सीएसएस में फिर आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पैडिंग भी अप्लाई है, तो मेरे ख्याल में मार्जिन ने काम नहीं किया। मार्जिन बॉटम अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, नहीं हो रहा। अच्छा, ये मार्जिन बॉटम, ठीक। चले अगर BR को हम दो बार यहाँ पर लिखते हैं, ये जो BR है, ठीक है, इसको अगर हम ट्वाइस लिखते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। दिस इज BR, ठीक है। तो मींस कि आप इस स्लाइडर के साथ खुद खेलें और इसको चेंज कर दें अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और देखें ये जो हमारे पास नेविगेशन बटन है इनको भी आप अपडेट कर सकते हैं। ये नेविगेशन बटन अगर आपको नहीं चाहिए तो ये भी आप हाइड कर सकते हैं। कहाँ से हाइड करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका कोड होगा मेरे ख्याल में ये, ठीक है, कैरोसेल इंडिकेटर। इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ तो देखिए ये हाइड हो जाएंगे, हाँ वो बटन हाइड हो गए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट स्लाइडर्स यूजिंग द कैरोसेल कंपोनेंट ऑफ द बूटस्ट्रैप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।